हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू सोरघाटी पिथौरागढ़ से। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनू डायरीज में। तो आज फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। और आज ना हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए जूलाघाट नेपाल, और अभी हम पहुँचे हुए हैं ये बड़ालू की झील में। तो अभी ना हम लोग पहुँचे हुए हैं ये बड़ालू की झील में, जो इधर को तो साफ दिख रही है और इधर को देखो ये पूरी गंदी हो रखी है। पाला भी जमा है शायद इसमें। और ये जो है बड़ालू की झील है, और मैं आई हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। वो देखो चले गए। तो फिर अब हम निकलते हैं जूलाघाट की ओर और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और अब हम यहाँ से निकलते हैं जूलाघाट की ओर। ये ठंडा कितना हो रहा है, बकरी देखो तो बकरी लकड़ी लेके जा रहे हैं। ये वो बाज है, ये सॉल बन पता ही नहीं आप। देखो वो वहां दिखने लग गई नदी। शकल ही नहीं दिख रही आपकी, तो टोपी हटानी पड़ेगी। क्या जूलाघाट का SSB वाला वो है यहाँ पे, पहले यहाँ पे ना चेकिंग भी होती थी, आजकल नहीं हो रही है। गाड़ियों की मतलब ऐसी ही चेक करते थे जैसे और जगह चेकिंग होती है। और वो उधर अभी अब दिख ही नहीं रहा है, इधर से इधर कोने को ले जाना फिर इंडिकेटर दिखे। वो देखो वो वहाँ पे को ना ये गाड़ी दिख रही है आपको, वो वहाँ पे छोटी छोटी एक गाड़ी वो, हाँ ये देखो देखो दिखने लग गया वो। हाँ यहाँ पे पहले गाड़ी लगती थी मतलब पार्क हो इधर उधर जाने के लिए। ये हम पहुंचने वाले हैं अब थोड़ा ही, तो कितने किलोमीटर था, 3 किलोमीटर ना, अब 3 ही किलोमीटर बचा हुआ है। वो वहाँ पे को पुल से पार करके इधर को नेपाल और इधर को इंडिया, और यहाँ से ये त्रिपुरा सुंदरी का जय मतलब इसी उसमें है वहाँ पे। ये दिखने लग गई है अब यहाँ पे को, जो ये है काली नदी वो थोड़ी थोड़ी जो कि हरी दिख रही है और है काली नदी। और ये आम बाग कहते हैं, यहाँ पूरा आम ही आम होता है, ये जो दिख रहा है ना ये आम ही आम के पेड़ है, आम बाग कहते हैं। और वो आगे ना क्या जा रहे हैं घोड़े, खच्चर मतलब खच्चर है घोड़े नहीं है। 4,700 किलोमीटर है अब जूलाघाट, सिर्फ 1 किलोमीटर बचा हुआ है फिर हम पहुंच जाएंगे जूलाघाट में। तो तालेश्वर मंदिर के लिए अभी दूसरी रोड कट, उधर को रोड कटेगी ना वहाँ नेपाल सीमा जूलाघाट पुल 1 किलोमीटर। स्कूल की छुट्टी हो गई, उस दिन वो घोड़ा कैसे पीछे पड़ा ढंग से। हाँ कर दो इसके लिए पड़ेगा ना, फिर ये PWD वालों का हम यही रखते हैं गाड़ी यहाँ पे को नीचे को। और ये वाली रोड जाती है तालेश्वर को, और यहाँ से ये जूलाघाट के लिए नीचे को है।
मंगलवार को नहीं, यहाँ शनिवार को दुकानें बंद रहती है। ये है जूनागढ़ की मार्केट, जो यहाँ इस साइड को ही इंडिया साइड। और उसके बाद अभी दिखाऊंगी मैं फिर पुल से पार वाली, नेपाल वाली है तो छोटी सी मार्केट, कोई ज्यादा थोड़ी नहीं है। वो नीचे पे लगानी पड़ी है गाड़ी, कहीं टूट लो अब जगह। ये देखो नदी, अब हम पहुंच गए हैं। नीचे जाने का रास्ता भी है, मैं नहीं गई हूँ लेकिन नीचे वो। ये है काली नदी, ये है यहाँ की मार्केट। ये मंदिर का रास्ता है, फिर यहाँ से देखो सुने कड़े लेने आप कड़े ले। ये जूनागढ़ की इधर साइड वाली मार्केट। और दौड़ के तो अब हम पहुंच गए ये पुल पार करके नेपाल में। वेलकम टू नेपाल। आखिरकार कहाँ आ गए आप? विदेश आ गए। हम पहुंच गए विदेश में। थोड़ा और है ऊपर फिर, बस इतना ही है। ये सब लाइट वाली टोपियां में कौन सा व्हाइट देखते हैं, पहले देखो तो सही। ये है नेपाल की मार्केट। ये देखो वाले कम्बल, अंगूरी वाले। बस खत्म। ये भी अच्छा लगा। ये जो है नेपाल का टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे को। और ये देखो नंबर, नेपाल की नंबर प्लेट। कहाँ बज गई वो बकरी? बकरी देखो फिर। अभी तक हम उस पार थे इंडिया वाले साइड, और अब हम आ गए हैं ये नेपाल वाली साइड। और यहाँ पे को जो है ये नेपाल का टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे को गाड़ियाँ रुकती हैं। और वो देखो छोटी सी मार्केट है, जो मार्केट से ऊपर को आ गए हैं हम यहाँ पे को। पहले तो ये यहाँ पे लगती थी, और वो वहाँ पे को वो स्कूल है, इंटर कॉलेज है शायद वो वहाँ पे को। नहीं ये है ये, और वो देखो वहाँ पे को लगा हुआ है नेपाल का झंडा। नेपाल में नेपाल का ही लगेगा, कैनेडा का तो नहीं लगेगा शायद। उड़ तो रहा है वो जितना उसने उड़ना चाहिए, आप उड़ा दो फिर। चलो वो पुल से पार उधर को मंदिर, रेड रेड मंदिर के इधर को इंडिया, इधर को नेपाल। और यहाँ पे को पुलिस प्रहरी, देखो ये नेपाल का जनता। यहाँ से जाते देखो गोठला पानी, कितने किलोमीटर लिखा है, कौन सी गाड़ी है? होंडा की डिग। होंडा की डिग देखो यहाँ भी है, ये उड़ रहा है। यहाँ पे पहुंचोगे तो दिखेगा ही ना उड़ता हुआ। पुलिस प्रहरी बन गई हूँ मैं, पुलिस वाली फोटो खींच दो। तो अब हम यहाँ के नेपाल साइड से नीचे को जाने लग गए हैं। देखो पीछे भी गरम हो रहा है बल।
एक ही नंबर है। पर्पल तो मेरे लिए बड़ा हो रहा है भैया, लेकिन जो आपने ये दिया ना इससे छोटा भी आता है इसमें। ये सबसे छोटा। कौन सी वाली ले रही है वो किसमें है ना कटोरा फिर? चलो ले लो फिर, पकड़ो कटोरा फिर। क्या कहा, कहाँ पहुंच गए हो? कहाँ पहुंच गए? पहाड़ के ऊपर ही तो है। चांद के नजदीक पहुंच गई हूँ। और आप? मैं तो पहुंच गई हूँ। और आप हैं? बुक्कड़ दिखाओ तो। एक की तो क्यों खाया, एक की और कहा है? उसके अंदर भी था तीसरा। पहले तो हम लोग ना घर से खाना खा के आए थे, फिर उसके बाद वहां तो भूख नहीं लग रही थी, फिर रास्ते में भूख लगी, तो अब हम लोगों ने ना चिप्स वगैरह ले लिया है और यहाँ पे रास्ते में बैठ के वो ही खा रहे हैं। शॉपिंग करके लेके आए, देखो ये दो टॉफिया और ये चप्पल, मेरे चप्पल भी है। और ना हम मैगी खरीद के लाए थे, ये मैगी के साथ ना हमें कटोरी फ्री मिली है। बस इतना ही लेके आ गए और अब हम पहुंच गए घर।